जय श्री राम, जय बालाजी की। आज हम आए हैं बिशनपुरा विज्ञान नगर के पीछे रणथंबर रोड। सांप बता रहे हैं, बड़ा सांप है कोई, देखते हैं कौन सा सांप। आओ, किधर, उधर है क्या, अंदर है। नीचे ऑलरेडी आ गया, ऊंचा कैसे? अरे इधर से ऊंचा कैसे, यहाँ से कर। अरे इधर आ गया वो ऑलरेडी, ये रहा, ये रहा, नीचे नीचे इधर आओ, जिन्नो से इधर ही, इधर ही आओ। अभी और देख, पास से आ रहा है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, शानदार। और बहुत ही सुंदर प्राणी, कुदरत की नायाब शक्ति है। हम पकड़ते हैं इनको निस्वार्थ भावना से, और आप लोगों का दैनिक निकालते हैं, इन जीवों की जान बचाते हैं। इन जो जीवों की हेल्प ही होती है एक तरह से। और दूसरी बात, हम हमारे वीडियो के माध्यम से यही दर्शाते हैं कि ऐसे जीव नदी पर बने रहे। बेजुबान प्राणी है और कुदरत की गमगीन शक्ति है तगड़ी। बस कुदरत ने, भगवान ने इसको ढेर बख्शा है, इसी वजह से ये बदनाम है। और कुछ पिक्चरों ने और किस्से कहानियों ने इनको बदनाम कर दिया, नाना तरह की अफवाहें फैला फैला के। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इनका जहर भी इंसानों के लिए बड़ा काम आता है, क्योंकि सब तरह की दवाइयाँ जो इनके जहर से ही निर्मित है। देखो जी ऐसा है, नॉर्मल बात है कि जब भी सांप खाता है तो सांप नहीं, सांप के नाम से डर है, सांप खाता है तो आदमी का बीपी हाई हो जाता है, चढ़ जाता है, क्योंकि वो घबरा जाता है।
आ जाएगा ना, ये हम ये फेक फेक करना चाहेंगे तो फेक भी हो जाएगा। ये बड़ा डब्बा लाओ एक, और उसके उसके अंदर छेद करने के लिए वो भी लाना। हमारा तो हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है सर कि जैसे आपने अभी मुस्तैदी दिखाई ना इसको बचाने में, अरे आप काम करो, जैसे आप लोगों ने इसको बचाने में मुस्तैदी दिखाई और उसको बुलाया, ऐसे ही किसी भी चीज को मरने ना दे। शाम जबरदस्ती कभी नहीं खाता है, इसके ऊपर ऐसा है जिसके ऊपर पेड़ पड़ेगा वैसे ही खाने की कोशिश करेगा। और उससे उपचार हो जाता है, और अगर खा जाए तो आदमी को घबराना नहीं चाहिए, तो घबराने से ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है। उसी जगह चीरा लगा देना चाहिए, सामने डलना चाहिए उस जगह को, देखते हैं अगर ऊपर तक रस्से से बांधना चाहिए ऊपर वाले हिस्से को जम के, कोई उपचार आवे जब काट रहे ना पर तो एक रस्से से बांधा जब ऊपर फूल नहीं जाए, अरे चीर का हल्का सो अरे साबुन बांध चल आप जो सर चम्मच दो वाले जंतु हैं आ जाते हैं भूले भटके, ये भी पसंद नहीं करते किसी को जबरदस्ती काटना, पर तो आ जाए तो उनसे दूरियां बना के रखो, इनके मूवमेंट का ध्यान रखो। हमारा तो काफी टाइम का अनुभव है, देखो हमको काफी साल हो गए हैं, 17-18 साल हो गए, तो हम तो पकड़ते हैं। आप कभी कोशिश मत करो क्योंकि ये जानलेवा जीव है, बिजली की तेजी की तरफ से कोई पता नहीं किस मूवमेंट काट ले, इंसानों में ही गुस्सा रूसी, इनमें नहीं है कोई गुस्सा उस्सा कुछ नहीं है हमारा, नहीं तो हम तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, हजारों सांप पकड़े, नहीं तो हमारे ऊपर जाने कितने रूस के बैठे होते हैं। जीव जंतु हैं आ जाते हैं भूले से, बस ये है कि आप इनका ध्यान रखें, इनका मान सम्मान जरूरी है, ये अपने लिए जितने भी प्रकृति प्रेमी हैं, ये चूहों की आबादी को कम करते हैं, गोरला भी फसलों में घुसते कीट पतंगे खाता है,
इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा हमने मिशन पूरा से रेस्क्यू कर लिया है। किनका था वो बाड़ा? किनका? अशोक बेंडवाल। अशोक जी बेंडवाल जी के बाड़े में से हमने इसको रेस्क्यू किया है और घंटे दो घंटे से आया हुआ है नहीं आपके पास, घंटे भर से इसको हो गया ऊपर आए हुए और डर था इनके बीच में और हमने इसको डर को दूर कर दिया है। और ये जीव है भूले भटके आ जाते हैं, इसको रणथंभौर के जंगल में छोड़ दिया जाएगा, इससे इसका आगे का पुनर्वास जीवन व्यतीत करेगा। और हम इनको शुक्रिया अदा करते हैं सबका जिन्होंने हमारे आने तक वेट किया और जीव को बचाए रखा, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे वीडियो के माध्यम से मैं ये सबसे यही कहूँगा, ऐसे जीव जंतुओं को बचाओ, हमारा पर्यावरण बना रहेगा, बचा रहेगा और इको सिस्टम दुरुस्त रहेगा, इसलिए हम उसको छोड़ेंगे। आपसे अब तक के लिए जय सियाराम, जय माता दी की, जय हिंद, जय भारत। आप स्वागत से बोलेंगे वंदे मातरम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके टीम ने बहुत सहयोग किया इसके प्रति और हम भी चाहते हैं कि इस तरह की है प्रजाति खत्म नहीं हो, क्योंकि वंशवाद इस तरह भारत में बनता है, उस तरह का परिवार बनता है। बिल्कुल बिल्कुल ये है, क्योंकि ये भी एक मानव जीव है। इस तरह के है हम सभी से प्रेरणा करते हैं कि इनकी कभी ऐसी इच्छा नहीं करें जिससे हमें आगत पहुँचे। बिल्कुल आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम। हाँ तो हम आ गए हैं जंगल और अभी कितना टाइम होगा यार खींच के? 15-20 मिनट, 5:30 8:28 हो गए, वो 5:28 हो गए मतलब केवल 18 मिनट ही हुए हैं। बिशनपुरा से हमने इसको रेस्क्यू किया, इंडियन स्पेक्टल कोबरा है और 18 मिनट के अंतराल पे ही हम जंगल आ गए हैं, रणथंभौर अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। और अब इसको हम यहाँ पे आज़ाद कर देंगे, रिलीज कर देंगे, इससे इसका जीवन जिएगा और बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा जीव है। और अब मेरे साथ आज रेस्क्यू में आज आए हैं समीर अहमद और वन शर्मा वीडियो बना रहे हैं, पीयूष शर्मा, बिट्टू और धर्मेंद्र चौधरी। और आज 30 मार्च 2021 और राजस्थान दिवस है और हम इसको छोड़ने आए हैं। आओ तो दिखाते हैं आपको छोड़ते हुए। आ जा भाई बाहर, जल्दी लाओ अपनी, ऐसे नहीं आए पास। अरे आ जा भाई आ जा, निकल जा भाई निकल जा, बहुत सुंदर। अब निकलने का मन नहीं कर रहा है, बहुत सुंदर। लगभग लगभग 4.5 फीट की लगभग लंबाई है, 4.5-5.5 और बहुत ही सुंदर सांप है, बहुत बढ़िया। हमारा वीडियो बनाने का एक ही रीजन रहता है कि आप लोग इनके बारे में जानें। जीव बहुत सीधे साधे होते हैं ये और इनका होना पृथ्वी पर बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि ऐसे जीवों को मारे नहीं, ऐसे जीव जंतु हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़रूरी है और ये रहेंगे तो हमारा इकोसिस्टम भी मस्त रहेगा, बढ़िया रहेगा, शुद्ध रहेगा। और ऐसे जीवों को मारने से विलुप्ति की कगार पर ही पहुँच रहे हैं ये इंसानों को मालूम नहीं है। बाकी जिस दिन ये विलुप्ति की कगार पर पहुँच जाएंगे मतलब तो हो सकता है कि हमें बहुत सी भयंकर महामारियों का शिकार होना पड़े, उनका सामना करना पड़े, तो हम ये नहीं चाहते। विधाता ने हर जीव को इस पृथ्वी पर संरक्षण दिया है और मनुष्य को ये सोचने वाली बात है, तो हम इसको जाने देते हैं। पीयूष शर्मा इसको रिलीज करेंगे, करो पीयूष शर्मा रिलीज, जाने दो उसको, जाओ भाई छोड़ो, जाओ भाई जीने तेरी जिंदगी और मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो, बहुत शानदार। देखो आप इसकी लंबाई देखो यार, ये तो है, 5 फीट तो है, 4.5 फीट के लगभग तो है, बहुत सुंदर। जाने दो, पकड़ लिया इसने रफ्तार, आ जा पीछे आ जा। तो हमने इस जीव को छोड़ दिया है और बड़ा सुकून मिला दिल को, तसल्ली मिली कि ये जीव अपना रास्ता इसने चुन लिया है और जी लेगा इसकी जिंदगी। अब हमने हमारा फर्ज निभाया,
हम भी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करेंगे कि आप भी अपना फर्ज निभाएं और ऐसे जीव जंतुओं को बचाने में प्रकृति की हेल्प करें, पर्यावरण की हेल्प करें। पर्यावरण सांप कोबरा प्रजाति जीवित रहेगी तभी पर्यावरण अच्छा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। हर चीज़ पर्यावरण में बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, किसी रेप्टाइल की, सांप की, गोर्रे की, किसी जीव की जान बचाते हुए और उन परिवारों का डर दूर करते हुए, उनका भय दूर करते हुए, उनको डरों से दूर करते हुए मिलेंगे फिर। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी की जय हिंद, जय भारत। और गर्व से बोलेंगे हम सब मिलकर वंदे मातरम, जय श्री राम।